हेलो फ्रेंड्स, मेरी इस न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। और आज मैं बताने वाला हूं कि आप एक ब्लूटूथ मॉडल से, ठीक है, एक ब्लूटूथ मॉडल से आपको एम्पलीफायर 4 चलाना है, 5 चलाना है, 6 चलाना है, 7 चलाना है, 10 चलाना है, जितना चलाना है उससे आप चला सकते हैं बिना कोई इफेक्ट के, बिना कोई प्रॉब्लम के। ठीक है, तो ये मैं करूँगा कैसे, ठीक है, उसके लिए मैं अपन को कुछ अलग चीज़ बताऊँगा, बिल्कुल अलग, जो आप खोज कर हमें दिखाइए कि YouTube पे कहीं अगर ये है तो आप हमें बताइए, ठीक है, कि ऐसे भी कोई बताया है, ऐसे कोई नहीं बताएगा, ठीक है। आमीन, सब कोई रेजिस्टेंस लगा रहे हैं, कोई PF लगा रहे हैं, क्योंकि मैं भी निरीक्षण किया हूँ, मैं भी देख चुका हूँ, ठीक है, वीडियो को कि कौन कैसे बता रहे हैं, तब मैं अपना, या जैसे अलग अलग कनेक्शन में देता हूँ अलग अलग एम्पलीफायर में, तब मैं आपको इसी तरीके से फिर बता रहा हूँ, ठीक है। लेकिन मेरे पास में अभी 5 वोल्ट का जो एम्प होता है, एम्पलीफायर जो होता है, जो छोटे छोटे ब्लूटूथ मॉडल में यूज किया जाता है, वो मेरे पास में अभी नहीं है, तो इसलिए मैं तस्वीर फोटो के द्वारा मैं दिखाऊंगा, और किसी दिन मैं लेकर आऊंगा तो मैं कनेक्शन करके आपको दिखाऊंगा कि कैसे होता है, ठीक है। तो फिर भी मैं आपको, चलिए मैं दिखाता हूँ, अपने मोबाइल के स्क्रीन पर लेकर जाता हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ, करीब करीब मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि देखिए आप ये ऐसे यूज कीजिए, आपका कंप्लीट होगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं। देखिए ये ब्लूटूथ मॉडल है, आप इसके जगह पे आप पैनल वाला भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, जिसमें डिजिट होता है, तो आप इसमें, इसके जगह पे कोई भी यूज कर सकते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। यहाँ पे एक, देखिए यहाँ पे एक लेफ्ट होगा, पक्का लेफ्ट होगा, इसमें एक राइट होगा और एक ग्राउंड होगा, ये तो इतना होगा ही, ठीक है, लेफ्ट राइट ग्राउंड। तो अब ये जो लेफ्ट राइट ग्राउंड है, ये तो इसके साथ में सिंपल से आप कनेक्शन कर दीजिए, लेफ्ट का लेफ्ट के साथ में ग्राउंड का, ठीक है, ये ग्राउंड के साथ में ग्राउंड हो जाएगा, ठीक है, और राइट के साथ में राइट हो जाएगा, ये तो क्लियर है। ये अब जब इतना दे दिए इसको, अब देखिए इसको भी आपको 5 वोल्ट देना पड़ेगा, और ये ब्लूटूथ मॉडल को तो आप 5 वोल्ट देंगे ही, तो इसको भी आप दे दीजिएगा, ठीक है, इसके लिए भी सप्लाई कर दीजिएगा 5 वोल्ट का। अगर आप देखिए, अगर आप डबल एम्पलीफायर चलाना चाहते हैं, डबल आई मीन एक तरीका से कितना चैनल हो जाएगा, तो 4 चैनल हो जाएगा, 4 चैनल, 6 चैनल, 5 चैनल, जितना चैनल का आपको चलाना है आप चला सकते हैं, इससे काफ़ी बेहतर चलेगा। और अब मैं बताता हूँ, पहले अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक का एक आपका एक माइनस दिख रहा होगा, एक प्लस दिख रहा होगा, यहाँ भी ये लेफ्ट का हो गया और ये राइट का हो गया, प्लस वाला और माइनस वाला, सिंपल है, ये लेफ्ट वाला और राइट, लेफ्ट और राइट है, अलग अलग है, तो ये माइनस और ये प्लस से एक अलग एम्पलीफायर में दीजिए, और एक और एम्पलीफायर चलाना चाहते हैं तो इसी से ले लीजिए, ठीक है, और अगर राइट के लिए करना चाहते हैं तो इससे लीजिए, ठीक है। इससे भी आप चाहें तो 4 से 5 एम्पलीफायर चला सकते हैं यहाँ से, ठीक है, अलग अलग ब्लूटूथ मॉडल में, जैसे मैं एक चैनल में मान के चलिए कि लेफ्ट राइट दोनों है, एक ही चैनल में आप उसमें भी लेफ्ट भी देना चाहते हैं, राइट भी देना चाहते हैं, तो ठीक है, उससे मतलब नहीं है, यहाँ से आप एक ही माइनस उठाइएगा, लेकिन वो बेहतर नहीं होगा अगर हमारे हिसाब से, अगर इस तरीके से बनना चाह रहे हैं, ठीक है, तो उसमें भी लेफ्ट राइट दीजिए, ठीक है, और उसमें भी लेफ्ट राइट दीजिए, अलग अलग दीजिए, या इसी से दोनों को दे दीजिए, ठीक है, एक ही जो, जैसे एक ही एम्पलीफायर है 44-40 है, और इसमें भी क्या चाहिए, 3 चाहिए, एक लेफ्ट चाहिए, एक राइट चाहिए, और मतलब लेफ्ट राइट एक ग्राउंड चाहिए, तो इसी में से क्या कीजिए कि ये जो प्लस वाला है इससे आप दोनों को दे दीजिए, और माइनस वाला से एक ग्राउंड को कर दीजिए, ठीक है। आप ऐसा क्वालिटी यूज करके देखिए, आप यहाँ से भी काफ़ी चला सकते हैं। अब देखिए ऐसा मैं क्यों करवा रहा हूँ, ठीक है, देखिए ऐसा मैं कर रहा हूँ क्यों, देखिए मान के चलिए कि जो ब्लूटूथ जो मॉडल होता है तो यहाँ से क्या निकलता है, तो यहाँ से वॉइस ही तो निकलता है, ठीक है, यहाँ से भी तो साउंड ही निकलता है ना, लेकिन कम से कम साउंड निकलता है, ये जो निकलता है साउंड यहाँ पर से, इस पॉइंट से ये निगेटिव हो गया, ये पॉइंट से और ये पॉइंट से क्या निकलता है, तो वॉइस ही निकलता है, तो हल्का हल्का साउंड होता है, तो वो एम्पलीफायर में देकर और उसको साउंड को क्या किया जाता है, बढ़ाया जाता है बस, और कोई कुछ नहीं होता है, वो बढ़ाने के लिए होता है। तो अगर हम ब्लूटूथ ये जो ब्लूटूथ मॉडल है इससे यूज करके एक पहले ही हम अपना जो साउंड क्वालिटी वो जैसा हल्का बढ़ा लें, ठीक है, और बढ़ा कर तब हम जाकर दे दें एम्पलीफायर में, जो भी एम्पलीफायर में देना है, तो उससे क्या करें कि साउंड क्वालिटी बिल्कुल परफेक्ट और बिल्कुल आवाज़ उसका साउंड साउंड तो उसका इतना ज़्यादा ज़्यादा बढ़ जाएगा ना कि आपको यहाँ पर वॉल्यूम लगाना पड़ेगा, ठीक है, आपको वॉल्यूम से कम करना पड़ेगा साउंड को, आवाज़ इतना बढ़ जाएगा, ठीक है। तो आप ऐसा यूज कीजिए। और इस वीडियो में तो मैं पूरा, बस मेरे पास में ये दोनों अवेलेबल नहीं था, ठीक है, ब्लूटूथ मॉडल भी मेरे पास में है, बट मेरे पास में ये जो 5 वोल्ट का जो ऑडियो एम्प देख रहे हैं, ये मेरे पास में नहीं था, ठीक है, ये मेरे पास में नहीं होने के चलते मैं आपको इस तरीके से बताया हूँ।
और किसी दिन मैं अगर लेकर आया, ठीक है, तो मैं इसके बारे में बिल्कुल डिटेल्स में बिल्कुल बढ़िया से कनेक्शन करके दिखाऊंगा कि कैसे बनाया जाता है, ठीक है। और जो भी यूट्यूब पे चला रहे हैं कि इस तरीका से यूज कीजिए, इस तरीका से यूज कीजिए, हमारा भला भी एक तरीका से यूज करके देखिए। अगर ऐसा वर्क नहीं किया, उन सबसे बेहतर ये वर्क करेगा। क्यों वर्क करेगा? वो बस क्या कर रहे हैं, तो एक रेजिस्टेंस से यूज कर रहे हैं, तो कोई पीएफ से यूज कर रहे हैं, ठीक है, आप उतना से यूज कर रहे हैं। और इसमें क्या है कि इसमें एक आईडियो के लिए अगर दो डबल एम्पलीफाई चलाना है, तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, उसके लिए एक हम ये कि इसमें क्या कर रहे हैं कि एक पहले अलग से, ठीक है, यही तो इसमें फ़ायदा है कि इसमें एक अलग से क्या बना रहे हैं, तो इसमें अलग से एक पॉइंट बना रहे हैं, ठीक है, एक पॉइंट इसमें इसमें ये हम ये यूज कर रहे हैं इसमें कि अगर आइडियो इसमें से आ रहा है इसमें और कम जाएगा, आप पक्का मान लीजिए कि अगर डबल एम्पलीफायर चलाइएगा मीन फोर चैनल का, ठीक है, टू चैनल एक में, टू चैनल एक में, तो आवाज़ ज़रूर कमेगा ब्लूटूथ मॉडल का। आप चाहे तो रेजिस्टेंस लगाइए, कोई भी लगाइए, ज़रूर कमेगा, लेकिन इससे नहीं कमेगा, ये परफेक्ट है, इससे नहीं कमेगा, बल्कि इससे तो और बढ़ जाएगा, आप जितना यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो क्योंकि इसमें मैं पावर दे रहा हूँ, ठीक है, इसमें भी पावर दे रहा हूँ और इसमें भी पावर दे रहा हूँ, तो इसमें कमने का तो कोई चांस, ये तो ब्लूटूथ मॉडल में आपको पावर देना ही देना है, ठीक है, किसी हालत में, तो इसमें भी मैं पावर दे रहा हूँ, तो इससे पावर कमेगा क्यों, और इसका जो वॉइस है वो काफ़ी इम्प्रूव रहेगा, ठीक है। तो आप ऐसा यूज करिए, मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा कि आप कैसे यूज कर सकते हैं। और फिर भी अगर समझ में नहीं आया तो आप कमेंट कर सकते हैं। वैसे भी तो मैं अगर लेकर आ जाऊंगा जिस दिन वो वाला बोर्ड, ठीक है, तो वो मैं खुद में बना कर दिखा दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना रह देते हैं। अगर चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ठीक है, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं और वीडियो बनाने के लिए तत्पर रहूँ। और ये भी ज़रूरी है कि जैसे कोई फसलों में हरित क्रांति आ जाता है, उसी तरीके से हम भी, ठीक है, ऑडियो के क्वालिटी में, ठीक है, और चाहे तो जो भी इलेक्ट्रॉनिक होता है उसमें हम क्रांति लाने की कोशिश करेंगे बहुत ज़्यादा मात्रा में, ठीक है। तो बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, और 2022 के लिए आपको, आप सबको नए साल के लिए हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ, ठीक है, हैप्पी न्यू ईयर। तो ठीक है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।